हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, मैं रोज़ अपने गार्डन में जो भी वेस्टेज फ्लावर होते हैं, जो पीली पत्तियां होती हैं, उनको मैं रोज़ हटाती रहती हूँ। और अभी आपने मेरे हाथ में हिबिस्कस के फ्लावर देखे होंगे, उनका मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने उसमें बताया है कि आप हिबिस्कस के फ्लावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों तरीके से बना के। आप शॉर्ट ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये देखिए, जो भी वेस्ट फ्लावर हो जाते हैं, जो फ्लावर सूख जाते हैं, जो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, मैं रोज़ शाम को जब छत पे चढ़ती हूँ तो रोज़ क्लियर करती हूँ। और बहुत ज़रूरी भी है इन्हें क्लियर करना, वरना ये प्लांट की एनर्जी फालतू में लेते रहते हैं और हमारे ये प्लांट के लिए भी नहीं अच्छे होते हैं। और प्लांट को भी क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, मैंने गुड़ाई भी की है, तो आप हर 10 दिन पे प्लांट की ज़रूर गुड़ाई करिए। इससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट बहुत ही अच्छे और हेल्दी रहते हैं। और देखिए, ये मैं कुछ हिबिस्कस के फ्लावर्स नीचे ले जा रही हूँ। हिबिस्कस के फ्लावर सुबह के टाइम मैं नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि ये खिले हुए रहते हैं तो मुझे तोड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यूज़ करना रहता है तो मैं शाम के टाइम ही ले जाती हूँ। एक दिन में तो वो ऐसे ही मुरझा जाते हैं, शाम होते होते ही, एक ही दिन चलते हैं, तो मैं शाम के टाइम ले जाती हूँ। और जो एक्सपेंड होते हैं उनको मैं रख देती हूँ कंपोस्टिंग के लिए। तो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, रोज़ रोज़ निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप भी फेंकिए मत। ये देखिए, जितनी भी पीली पत्तियां हैं उनको भी मैं क्लीन करती हूँ। तो आप भी फेंका मत करिए, किसी चीज़ में आप रखते रहिए, बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, बहुत यूज़फुल ये होते हैं। तो ये देखिए, ये सारे मेरे हो गए हैं। देखिए, धीरे धीरे शाम भी हो रहा है। और ये जो आपको सामने प्लांट दिख रहा है, इसकी मैं रिपॉटिंग भी करने वाली थी, रूट प्रूनिंग करने वाली थी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था। वैसे तो हिबिस्कस को पसंद है रूट बाउंड, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया था। हालांकि अभी फ्लावरिंग तो इसमें हो रही थी, बट मैं इसको थोड़ा ऊपर से भी छाटने वाली थी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान अभी फ़िलहाल के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा शाम हो गया है और शाम को काटना ठीक नहीं है। तो देखिए, अभी दूसरा काम कर लेते हैं। ये मैं बीज लाई हूँ खीरे के, हालांकि मैं इनको पहले ही लगाने वाली थी बट थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बिकॉज़ धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है और पानी भी बहुत ज़्यादा प्लांट में लग रहा है, और प्लांट की हालत भी अभी सही नहीं है। उधर तो बारिश भी हुई थी बट इधर बारिश पूरी तरीके से बंद है, तो कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल में मैंने 2 डिस्पोजल के ग्लासेस लिए हैं, उनमें ही मैं बीज लगाऊंगी। 2 मैंने एक में लगाए हैं और 3 एक में लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। ये बीज अभी ठंडी तक बहुत ही आराम से चलेंगे, नर्सरी वाले ने बोला भी था जहाँ से मैं बीज ले आई हूँ। तो अभी मैं इसको लगा दे रही हूँ, मिट्टी मेरी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से मॉइस्ट है। थोड़ा सा हल्का सा पानी मैं बस डाल दूँगी। और ये देखिए, ये मेरे बीज लग गए हैं, ये मिट्टी मैं डाल दे रही हूँ और बस हल्का सा पानी डालूंगी और शेडी एरिया में रखूंगी। आप चाहें तो ऊपर से प्लास्टिक से कवर भी कर सकते हैं, बट मैं प्लास्टिक से कवर नहीं करूंगी, ऐसे ही इनको शेडी एरिया में रखूंगी। जब ये निकल आएंगे तो हल्का सा मैं रोशनी में रखूंगी, धूप में नहीं रखूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ इधर धूप फिर से होने लगी है। और अब देखिए, ये वाला प्लांट मेरा बिल्कुल ही पता नहीं क्यों अचानक से ही ख़राब हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी ही चीज़ का ध्यान आप लोग रख लेते हैं, फिर भी प्लांट अचानक से क्यों ख़राब होने लगता है, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसा मेरे साथ ही हुआ। तो अभी फ़िलहाल में मैं ये सारे पत्ते हटा दे रही हूँ, कुछ पत्ते मैं छोड़ दूँगी। और ये आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से सूख गया है, तो ऐसा भी नहीं कि एकदम तेज़ सनलाइट में रखा हुआ था या मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बट पता नहीं क्या अचानक से हुआ। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सारे पत्ते हटा दे रही हूँ। और ये सारे पत्ते हटाने से पहले मैंने इस पे एक काम और किया है जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से निकाल लिया था और एप्सम सॉल्ट के पानी में रखा था। लगभग 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको एप्सम सॉल्ट के पानी में रखा था, फिर इसको रिपॉट किया है। तो उसके मैंने एक दिन बाद ये पत्ते कट किए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उस दिन मैं शूट नहीं कर पाई। तो अभी
अभी देखते हैं चल जाता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और हाँ, इसमें फंगीसाइड पाउडर भी मैंने डाला है, तो अभी आगे का जो भी अपडेट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरे एक प्लांट में पहले भी ऐसा हुआ था, तो मैंने उसको ऐसे ही सही किया था, तो होप ये प्लांट भी सही हो जाए। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ढेर सारा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।